ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा की गुलाब पार्क मच्छी मार्केट में मनपा ने कार्रवाई की, मगर जिस तरह से मनपा ने कार्रवाई की उस कार्रवाई पर लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गली के अंदर मच्छी बेचने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि मनपा कर्मचारियों ने दुकान के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और मच्छी वालों ने बताया कि इस कार्रवाई में उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। मच्छी बेचने वालों का कहना है कि मनपा कर्मियों ने दुकान के अंदर घुसकर कार्रवाई, क्योंकि अगर कोई बाहर रोड पर लगाता धंधा तो कार्रवाई करे। मनपा कर्मियों के खिलाफ मच्छी बेचने वालों लोगों में काफ़ी गुस्सा है। इन मच्छी बेचने वालों से बात की है हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने। आपका प्रहार टाइम्स से मैं सबिया हुसैन शेख, हम खड़े हैं गुलाब पार्क मार्केट में जहाँ पे मच्छियों का धंधा लगता है। यहीं पे कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं TMC के बारे में। आइए बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम अतीउल्लाह खान है। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर एक्चुअली जो है धंधा जो लगाते हैं मच्छी का, तो मच्छी का धंधा लगाते हैं ये लोग जो है TMC वाले 3 दिन से कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। कल छुट्टी थी, ये जुलूस था मुहर्रम का, इसके लिए नहीं किया। परसों इन लोगों ने जो है दुकान के अंदर से माल उठा करके ले गए। जा करके बात करने पे पता चला कि भाई हम लोग माल फेंक दिए दरिया में और टप हम लोग नहीं देंगे, तोड़ने का ऑर्डर है। आज फिर इन लोगों ने क्या किया, सुबह सुबह आए और जो धंधा लगाते हैं मच्छी का, बेचारे 15,000 का, 20,000 का, 30,000 का माल लेकर के आए, सबका दुकान के अंदर से इन लोगों ने माल निकाल निकाल करके लेके गए। एक ने तो ताला लगा दिया था अपने दुकान में, उसका कॉलर एक ने पकड़ा कोई ऑफिसर, और कॉलर पकड़ करके उससे चाबी छीना, चाबी लेकर के ताला खोल के शटर के अंदर से माल लेकर के गए। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है दुकान में लगाते हैं, दुकान का भाड़ा देते हैं, और जो कुछ लोग यहाँ के लोकल हैं बाहर से आते हैं जो इनसे हफ्ता भी लेते हैं, लेकिन जब इनके साथ परेशानी होती है तो कोई सामने आके खड़ा नहीं होता है कि ये मुझे तकलीफ़ है। ये लोग अगर फ़ोन भी करते हैं कि भाई तुम लोग 50 रुपये हमारे साथ लेते हो, हमारा माल लेके गए, म्यूनसिपालिटी वाले चल के बात करो या कुछ तो ये धंधा जो लगाते हैं हॉकर्स लोग, ये किसके परमिशन पे लगाते हैं? ये परमिशन इन लोगों को, जैसे दुकान से इन लोगों ने भाड़ा पे दुकान लिया है, अब दुकान वालों के परमिशन पे लगाते हैं। प्लस मैं धड़क यूनियन से जिला सेक्रेटरी हूँ थाने का, मेरे यूनियन के मेंबर हैं कुछ जो दुकान के अंदर लगाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने BMC में एक लेटर दिया था, मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा एक लेटर लिख करके दे दो कि तुम्हारे कोई भी मेंबर बाहर धंधा नहीं लगाएंगे, शटर के अंदर लगाएंगे। तो मेरे जितने मेंबर हैं वो शटर के अंदर लगाते हैं। मुझे तकलीफ इस बात का है कि जब आप एक बार मेरे साथ कमिटमेंट करते हो कि शटर के अंदर लगाएंगे आपके मेंबर तो हम आपका धंधा नहीं उठाएंगे, तो अभी ये 3 दिन से 4 दिन से ये 4 बार हो गया, मतलब 4 मरतबा हो गया, 4 बार शटर के अंदर से क्यों माल लेके जा रहे हैं लोग? आपके कहने का मुताबिक मतलब ये है कि यहाँ पे 50 रुपया रोज का एक कोई आता है, हफ्ता लेता है, ठीक है। और दूसरा कहना आपका ये है कि दुकान के आगे जो धंधा लगते हैं तो हॉकर्स लोग उनको भी 200 रुपया देते हैं, और आपका ये भी कहना है कि हम लोगों ने उनको कहा है कि दुकान के अंदर आप लगा, तो इस पर आप क्या कहोगे? ये लोग जो दुकान वाले लोग जो 200 रुपया ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? दुकान वाले जो 200 रुपया भाड़ा ले रहे हैं, उनका काम बनता है कि जब इनका सामान जाता है तो आगे आए और इसके लिए आवाज उठाएं। और क्यों ले रहे हैं पैसा? अगर पैसा भाड़े पे जब देके रखे हैं, दुकान उनकी हो गई, अब उनके यहाँ काम करने वाले मच्छी बेच रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो कोई नहीं आता सामने। और इन धंधा वालों का कहना है कि 50-50 रुपये लेके कोई टीम भी जाती है, तो कौन लेके जाती है अभी तक मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन अगर लेके जाते हैं कुछ किस लिए लेके जाते हैं ये पता नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये लोग दुकान में से सामान निकाल रहे तो गलत ही है ना, गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, उनके पेट पे लात मार रहे हैं, अच्छा नहीं है ना, ये तो गलत काम है। रोड पे लोगों का उठाते नहीं है और गली में से उसमें से दुकान में से निकाल रहे हो तो गलत ही है ना। जिस दुकान में हॉकर्स लोग धंधा लगाते हैं मच्छी का, वो दुकान मालिक हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? इमाम बाशु। आपकी दुकान कौन सी है? दुकान है। तो इसमें धंधा लगाए थे और क्या हुआ था? ये मेरे आदमी 6 आदमी धंधा लगाए थे, परसों के दिन पे ऐसी माल उठा के लेके चले गए, और आज भी लोग ने 11 बजे सुबह आके माल उठा के लेके चले गए। अब उसके पास अपने पास फूड का लाइसेंस वगैरह भी है, मगर वो बोलते हैं मच्छी का लाइसेंस चाहिए, तो अब मच्छी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको टाइम तो दो हमारे को, तो अप्लाई करके हम चालू कराएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब दुकान है तो उसका हल तो निकालेंगे ना, अब दुकान का 20,000 भाड़ा कहाँ से लगे भरेंगे?
मसला ऐसा आ रहा है, कुछ ना कुछ तो उसका बताओ, हमारे को समझाओ। तो कार्रवाई टीएमसी वालों ने आज ही की है या पहले भी? पहले भी बहुत बार कर चुकी है, परसों से लेके आज तक 3 बार दो बार हो चुका है। मच्छी बेचने वाले लोगों ने मनपा पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है, तो मनपा कर्मियों ने इन मच्छी बेचने वाले लोगों की मच्छी भी लेकर चले गए हैं, जिसकी वजह से इनका काफी नुकसान भी हुआ है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।